पाओ तनु, फाइनली फेरे हो ही गए, बस ये लास्ट है, उसके बाद अभी तुम्हारा हो जाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इन्हें तो मैं भूल ही गई थी। वाह, क्या एंट्री मारी आंटी जी। रिटर्न ऑफ बाहुबली माँ। अब आएगा मजा कहानी में। क्या कमाल का ट्विस्ट है ये। ट्विस्ट नहीं मिताली, ये तो क्लाइमेक्स लग रहा है कहानी का। क्यों, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रॉकस्टार मानते हैं ना तुमको सब। करोड़ों लाखों फैन है ना तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे यहाँ पर दिल नहीं, क्योंकि अगर दिल होता ना तो तुम मेरी बेटी के साथ वो नहीं करते जो तुमने किया। क्यों, क्यों किया तुमने प्रज्ञा के साथ ऐसा? किस्मत की मार तो उस पर पहले से ही थी, क्यों, क्यों किया तुमने उसके साथ? संभल जाती वो, लेकिन क्यों दिया तुमने उसे सहारा? और सहारा देने के बाद फिर क्यों छोड़ दिया उसके साथ? अगर उसे कह दिया था कि उसे प्यार करते तो फिर निभाया क्यों नहीं? तुमने जो किया है ना प्रज्ञा के साथ, उसके बाद कोई भी प्यार पर विश्वास करेगा ही। मैं तो कहती हूँ कि लोग लोग सोचेंगे प्यार करना ही नहीं चाहिए। जरूर उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो इस जन्म में उसे ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं हमेशा उसके भाग्य को कोसती थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोसूंगी, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो सब चीजों के। सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुमने तुमने उसे जाने दिया। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। तो
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आप